हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू राजू ट्यूटोरियल्स। आज के स्टूडियो में हम करने वाले हैं कुछ इस टाइप के इंडिपेंडेंस डे कॉन्सेप्ट फोटो एडिटिंग। तो गाइस इस कॉन्सेप्ट के लिए कुछ दिन से बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं भाई इसके ऊपर वीडियो बनाओ। तो गाइस हमारी वीडियो आ गई है और गाइस इस तरह के और भी कॉन्सेप्ट चाहिए तो गाइस कमेंट करना, इसके ऊपर वीडियो जरूर से और ज़्यादा आएगी। एंड गाइस इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड और पीएनजी यूज है उनका लिंक हमेशा एक तरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ पर इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस अगर आप हमारे चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, एंड यार वीडियो लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट फॉर इट। तो गाइस सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आपने इस वाले बैकग्राउंड को अपने पिक्सार्ट में ओपन कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद से गाइस आपने सिंपल से ऐड फोटो के ऊपर जाना है और यहाँ पे गाइस आपको एक लेंस फ्लेयर मिल जाएगा, आपने उसको ऐड करना है। देन इसके ब्लेंडिंग मोड को गाइस आपने स्क्रीन कर लेना है और यहाँ पे जो गाइस नीचे फिशरमैन है उसके ऊपर इसके इफेक्ट को डालना है। तो यहाँ पे गाइस लेफ्ट साइड में हम इसको सेट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे सेट करने के बाद बिफोर आफ्टर देख सकते हो कि ये गाइस उसको लगाने के बाद जो गाइस हमारा वो फिशरमैन वाला बैकग्राउंड है वो मैच हो गया है। फिर गाइस आपने ऐड फोटो पर जाना है और यहाँ पे एक रॉक की पीएनजी मिल जाएगी या फिर कह सकते हो स्टोन की पीएनजी, आपने इसको ऐड करना है और यहाँ पे इसको लेफ्ट साइड में कुछ इस तरह से आपने इसको सेट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे सेट करने के बाद से आपने सिंपल से इसको भी डन कर लेना है, ठीक। और डन करने के बाद से गाइस अब हमें क्या करना है, हमें कुछ एरोप्लेन्स की पीएनजी मिल जाएगी। तो आपने क्या करना है, ऐड फोटो पे जाना है और यहाँ पे उस पीएनजी को ऐड कर लेना है, ठीक। और यहाँ पे इसको साइज़ को बड़ा करेंगे और इसको हम बैकग्राउंड पे सेट करेंगे, ठीक है। और जहाँ पे गाइस आपकी रॉक की पीएनजी है जस्ट आपने उसके ऊपर इसको रखना है। और फिर क्या करना है, इसकी ओपेसिटी डाउन करके आपने 15 या 20 तक रख लेना है। हमने यहाँ पे अभी इसको 20 रखा है। देन सिंपल से इरेजर पे ले जाएंगे, इसकी हार्डनेस को 0 कर लेंगे और साइज इंक्रीज कर लेते हैं और नीचे से कुछ स्टेप से इरेज कर देना ताकि गाइस ये बैकग्राउंड में मर्ज हो जाए। तो हम सिंपल से क्या करते हैं, इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा और डाउन कर लेते हैं हम, तो इसको अब रखेंगे 15 और देन सिंपल से डन कर देंगे। डन करने के बाद से गाइस अब आपने क्या करना है, इसको ड्रॉ टूल में लेकर चलना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या करना है, ऐड फोटो पर जाना है और यहाँ से गाइस आपने अपने कटआउट को ऐड कर लेना है। तो गाइज हमने यहाँ पे अपने कटआउट को पहले से बना रखा है। तो गाइज अगर आपने बनाना नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वीडियो को जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या करना है, जो हमारा रॉक का पीएनजी है उसके ऊपर अपने मॉडल को आपने सेट कर लेना है। तो यहाँ पे गाइज हम अपने मॉडल को एडजस्ट करके सेट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे गाइज हमारा मॉडल सेट हो गया। देन क्या करना है, आपने यहाँ पे एम्प्टी लेयर बनाना है और उसके बाद से गाइज क्या करना है, ऐड फोटो पे जाना है और यहाँ पे एक शैडो की पीएनजी मिल जाएगी आपको, ठीक। तो आपने उसको जस्ट ऐड कर लेना है और यहाँ पे आपने इसको सूज के नीचे सेट कर लेना है। तो यहाँ पे सिंपल से हम इसको ट्रांसफॉर्म पे लेकर जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे अपने सूज के नीचे इसको सेट कर लेंगे। तो गाइज आपने सिंपल से इसको सेट कर लेना है और उसके बाद से इसका एक डुप्लीकेट बनाना है, फिर गाइज दूसरे सूज के नीचे इसको सेट कर लेना है। तो यहाँ पे गाइस चलते हैं सिंपल से 3 डॉट पे, यहाँ पे कॉपी लेयर और उसके बाद हम क्या करते हैं, दूसरे सूज के नीचे हम इसको सेट करेंगे, ठीक। और इसको मॉडल के नीचे रख देते हैं। फिर क्या करेंगे, अपने शैडो और अपने मॉडल दोनों को मर्ज कर देंगे एक में ही। तो हमने यहाँ पे देखिए मर्ज कर लिया है। फिर क्या करेंगे, एम्प्टी लेयर बनाएंगे और उसमें गाइस हम ऐड फोटो पे चल जाएंगे और यहाँ पे गाइस जो हमारा तिरंगा झंडा की पीएनजी है तो आपने उसको ऐड कर लेना है, ठीक। अब गाइस आपने इसको सेट कैसे करना है मैं आपको बताया, तो आपने सिंपल से ट्रांसफॉर्म पे लेकर जाना है, ठीक है। और यहाँ पे अपने हाथों के हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं इसको एडजस्ट करता हूँ, आप देखो यहाँ पे गाइस मैंने इसको अपने हैंड पोजीशन के हिसाब से ही ट्रांसफॉर्म करके सेट किया है। देन क्या करेंगे, उसको मॉडल के नीचे रख देंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, उसकी एक कॉपी बनाएंगे तिरंगे झंडे की, तो ये मॉडल के ऊपर आ जाएगा। तो अब देखो क्या करना है, आपने ऊपर वाले लेयर पे रखना है टैप करके, ठीक है। और उसके बाद इरेजर पे जाना और यहाँ से गाइज ऊपर वाले लेयर से इरेज करना है, ठीक है। तो जो हमारा तिरंगा झंडा है ऊपर वाले लेयर से इरेज होगा तो हमारा मॉडल दिखने लगेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हार्डनेस को फुल करते हैं इरेजर की और फिर इरेजर करना स्टार्ट करते हैं। और उस टाइप से गाइज आपने हैंड पर से भी इरेज कर लेना है। तो यहाँ से हम जल्दी जल्दी से इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे गाइस हमने इसको एकदम परफेक्टली इरेज कर लिया, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो सिंपल से यहाँ से इसको हम डिस्कार्ड कर लेते हैं और उसके बाद से गाइस अब हम क्या करते हैं, ऐड फोटो पे जाते हैं और जो गाइस हमने लेंस फ्लेयर अभी ऐड की थी फर्स्ट में आपने उसको ऐड कर लेना है, ठीक। अब इसका ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन कर लेना है और यहाँ पे गाइस जो आपके
एक पैर है उसके लेफ्ट साइड में पहले सेट कर लेना है, और फिर इसको डुप्लीकेट बनाना है, फिर राइट साइड की तरफ सेट कर लेना है। कुछ ही स्टेप्स है गाइस, आपने सेट कर लेना है ठीक, और देन सिंपल से इधर से डन कर लेना है। उसके बाद से गाइस आपने चले जाना है ऐड फोटो पे, और यहाँ पे गाइस ये वाली पीएनजी मिल जाएगी साइड वाली, तो आपने इसको ऐड करना है, जस्ट फुल बैकग्राउंड पे करना है, देन डन कर देना है। और गाइस यहाँ पे मैंने कोई भी टेक्स्ट पीएनजी नहीं लगाई है, अगर आपने लगानी हो तो लगा लेना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसका भी। तो सिंपल से गाइस अपने ड्रॉ टूल में चलते हैं और यहाँ से गाइस अपनी फोटो कर लेते हैं सेव। तो यहाँ पे गाइस आ गए अपने लाइटरूम में, और यहाँ पे आने के बाद से कर्व टूल पे जाना है सिंपल से, यहाँ पे एक डॉट बना है जहाँ पर रॉ और कॉलम मिल रहे हैं, और फिर यहाँ पे लेफ्ट साइड से नीचे से उठाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रॉक के साइड में हमारा थोड़ा सा डार्क एरिया बन रहा है। फिर आ जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करना है, कंट्रास्ट को माइनस कर देना, माइनस कर 25, हाईलाइट्स को आपने थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है, साइडों को रखना है 38, और यहाँ पे वाइटीज को रखेंगे माइनस के 20 के आसपास, और ब्लैक्स को भी माइनस के 20। फिर क्या करना है, यहाँ पे आपने टेम्प को रखना है 7 ठीक, और उसके बाद से आपने टिंट को भी सेम रख लेना है, देन यहाँ पे वाइब्रेंस को आपने इंक्रीज कर देना है, इसको हम रख लेते हैं 35। देन चले जाते हैं मिक्स वाले टूल पे, ऑरेंज कलर सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे इसकी लुमिनस को इंक्रीज करेंगे और सिचुएशन को थोड़ी सी माइनस करेंगे। देन गाइज अब है आपका ब्लू कलर, तो इसको आपको एडजस्ट करना, तो आप एडजस्ट कर ले रहे हैं इसका ह्यू को, जो गाइज आपके स्काई का कलर है, तो यहाँ पे हम इसको उतना ही रहने देते हैं और सिंपल से इधर से डन कर लेंगे। चले जाएंगे सिंपल से नेक्स्ट वाले टूल पे, यहाँ पे हम क्या करते हैं टेक्सचर को इंक्रीज कर लेते हैं, 30 रख लेते हैं, और यहाँ पे क्लियरिटी को हम रख लेंगे 14, डीएस को गाइज हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, इसको हम रख देते हैं 5 और 6 के आसपास, विगनेट को रख देते हैं माइनस के 11। देन चले जाएंगे नेक्स्ट वाले टूल पे, यहाँ पे शार्पनिंग को हम रख लेते हैं 32, और गाइज मास्किंग को हम रख लेते हैं 67, और नॉइस रिडक्शन रख लेते हैं 19%। अब यहाँ पे गाइस हमारे नीचे एक चीज़ और छूट रहा है, तो सिंपल से आपने जाना है सिलेक्टिव वाले टूल पे, यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और यहाँ से नीचे से इसमें देना है। इससे क्या होगा गाइस, आपका नीचे वाला एरिया डार्क हो जाएगा, आपने सिंपल से लाइट में जाना है और इसकी एक्सपोजर को माइनस करना है, तो यहाँ पे नीचे वाला एरिया डार्क हो जाएगा, इससे गाइस फोटो आपकी और भी ज़्यादा ऑसम लगेगी। यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो आप,